अभी पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने आती है तो उनके समर्थक उन्हें बचा लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह सब वहां के सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री बने। तो यह घटना शुरू होती है मार्च 25, 1992 को, जो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तानी नेशनल क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप जीता था और इमरान खान इस जीत के सबसे बड़ा चेहरा थे। यह पाकिस्तानी कैप्टन ऑलरेडी एक ग्लोबल सेलिब्रिटी के रूप में जाना पहचाना जाता था, लेकिन करीब करीब 30 सालों बाद इमरान खान की पब्लिक आइडेंटिटी पूरी तरह चेंज हो गई थी, क्योंकि वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो आखिर कैसे एक पाकिस्तानी क्रिकेट सुपरस्टार अपने देश का नेता बना, तो आइए जानते हैं। जिंदगी के यंग एज से ही इमरान खान विदेशी वातावरण में रहना सहना सीखे और वह लाहौर में ही पले बढ़े थे, जहां वह ब्रिटिश प्रेप स्कूल में जाया करते थे और पाकिस्तान में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने अपने आप को क्रिकेट में ही निखारा और इंग्लैंड में रहते हुए क्रिकेटर के रूप में पॉपुलैरिटी गेन करना चालू किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वहां के हिसाब से स्वीकार किया और यही चीज़ों ने उन्हें सेलिब्रिटी कल्चर का मुख्य उपज बना दिया। उनका एथलेटिक करियर करीब करीब 2 दशक यानी 20 सालों से ज़्यादा रहा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने इस गेम से रिटायरमेंट ले लिया और गेम से रिटायर होने के बाद शुरुआती दौर में वह राजनीति से दूर रहने की बात करते रहे और वह अपने कई सारे इंटरव्यू में कहते कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूं और सभी लोग प्राइम मिनिस्टर बनकर के अपनी देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1994 में वह पाकिस्तान में पहला स्पेशलाइज कैंसर हॉस्पिटल खोला और उसी समय लेडीज मैन के रूप में भी उनका इमेज लोकप्रिय हुआ, क्योंकि वह अपने 3 पत्नियों में से पहली पत्नी जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी की, जो इस्लाम में कन्वर्ट होकर पाकिस्तान में सेटल हो गई, लेकिन बाद में वह अपने आप को उनसे अलग करके अपने देश वापस चली गई। 1996 में इमरान खान ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाया और उन्होंने लोगों से वादा किया कि वह इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, जहां पर गरीबों की देखभाल की जाएगी, और उन्होंने दूसरा वादा यह भी किया कि वह राजनीति में रिस्पॉन्सिबल लोगों को लेकर आएंगे और साथ ही साथ उनका स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मैसेज ने लोगों के दिल में जगह बनाया और उन्होंने आम जनता को पाकिस्तान के 2 पॉलिटिकल डायनेस्टी शरीफ और भुट्टो, जो हर बार पावर का अदला बदली करती और दशकों से भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घिरे हुए थे, उनके सामने एक नया विकल्प दिया और इसी के साथ पहली बार खान की पार्टी को एक छोटी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने सिंगल पार्लियामेंट्री सीट को 1997 इलेक्शन में जीता। लेकिन बहुत सालों बाद 2013 में इनकी पार्टी ने अफगानिस्तान से लगे हुए नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पर अपना सत्ता काबिज किया और इनका एंटी करप्शन मुद्दा वहाँ के लोगों में, खास करके यंग पाकिस्तानियों के बीच में काफ़ी फेमस हुआ और यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा भी हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने एक लंबा शॉट खेला जो उन्हें प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंटेंडर बना दिया। लेकिन वह शरीफ राजवंश से हार गए, लेकिन वह पाकिस्तान के राजनीति में एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आए। क्रिकेटर के रूप में इमरान खान एक रिलायबल परफॉर्मर थे, लेकिन पॉलिटिशियन के रूप में उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न लिए। 2013 में खान की पार्टी ने पाकिस्तान के कंट्रोवर्शियल ब्लास्फेमी लॉ की समीक्षा की मांग की, जिसमें यह था कि अगर कोई इस्लाम का अपमान करता है तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि अधिकतर मुस्लिम देशों में धर्म को सत्ता प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन 5 साल बाद 2018 में इसी सेम कानून को डिफेंड करने के लिए उनका आलोचना किया जा रहा था। पहले वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शरीफ की पार्टी पर आरोप लगाते रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने उसी पार्टी के मेंबर्स को अपनी पार्टी में शामिल किया और साथ ही साथ तालिबान के झुकाव के प्रति भी उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब 14 साल के मलाला यूसुफ़ज़ई को 2012 में पाकिस्तान में तालिबानियों के द्वारा गोली मारी गई थी, तब उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट उस मिलिटेंट ग्रुप को दिखाते हुए कहा था कि यह जिहाद है और यह पूरी तरह से सही है,
उन्होंने अफगानिस्तान में उग्रवाद के उदय का कारण यूएसए को माना और वह लंबे समय से इस इलाके में यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन के खिलाफ थे और खास करके पाकिस्तानी बॉर्डर के आसपास ड्रोन स्ट्राइक से। और यही एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पाकिस्तानियों के बीच में बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया और उन्होंने यूएसए को अपने दुश्मन के रूप में देखना चालू किया। और उनका व्यक्तिगत रूप से यह मानना था कि अगर तालिबानियों के साथ शांति चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका होगा उनसे पीस टॉक, और इसी की वजह से उन्हें तालिबान खान का निकनेम भी मिला। तो आखिर क्यों इमरान खान तालिबानियों के प्रति इतना सॉफ्ट रवैया दिखा रहे थे? इसका मुख्य कारण था पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ उनका समझौता। वहाँ के मिलिट्री के पावर को आप 1947 से ही देख सकते हैं, जब भारत दो हिस्सों में टूटकर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान बना और हिंदू बहुल इलाका भारत बना। और इस बंटवारे के साथ जब अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग अपने अपने देश जाने लगे तो इसमें बहुत बड़ी हिंसा हुई। और इसी में एंट्री होती है पाकिस्तानी मिलिट्री की, जो बॉर्डर पर हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए इस पूरे प्रकरण में घुसता है और एक नए देश को एक साथ एस्टेब्लिश करने के कारण वहाँ की नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल बन जाता है। तब से लेकर अभी तक आर्मी वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करती है। उनका मुख्य कंसर्न यह भी था कि अफगानिस्तान में हो रही लड़ाई उन्हें दो तरीकों से फ़ायदा पहुंचा रहा था। पहला, तालिबान में लड़ने के लिए यूएस मिलिट्री पाकिस्तानी रास्ता का उपयोग करता था, जिसके बदले में यूएस मिलिट्री पाकिस्तानी मिलिट्री को बिलियन ऑफ डॉलर एक्सचेंज में देती थी ताकि यूएसए अपनी लड़ाई जारी रख सके, और उसी समय पाकिस्तानी मिलिट्री तालिबान को सपोर्ट भी करता था ताकि अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी बना रहे, जो पाकिस्तान को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से अलग रखे। वहाँ की आर्मी पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी इंटरफेयर करते आ रहा है, जिसकी वजह से आज़ादी से लेकर अब तक वह उस देश पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना कंट्रोल रखते आ रहे हैं। इसी की वजह से इस देश में अभी तक 22 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं और इनमें से कोई भी अपना एक पूरा टर्म भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। या तो उन्हें रिजाइन देना पड़ा, या वे टर्मिनेट कर दिए गए, या कार्यभार संभालने से पहले उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, या फिर उनकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही साथ इस देश को तीन तीन तख्ता पलट का दंश भी झेलना पड़ा। और इसी तरह की एक घटना 2018 के इलेक्शन से कुछ सप्ताह पहले घटती है, जिसमें इमरान खान के अपोनेंट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है और 10 साल की जेल की सज़ा दी जाती है। और इन सब के पीछे का दोषी वहां के आर्मी को माना जाता है, जो इमरान खान के लिए रास्ता साफ कर देती है। और इसी के साथ इमरान खान बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को हराकर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इलेक्शन में हुए फ्रॉड को लेकर विरोध और आरोप का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद 18 अगस्त को इमरान खान प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, जीतने के बाद उनका करप्शन को लेकर मैसेज बहुत ही साफ था और वह उनका केंद्रीय मुद्दा भी था। लेकिन एंटी अमेरिकन स्टांस के ऊपर वह शिफ्ट होते दिख रहे थे, लेकिन उनके आगे का साल इस पर डिपेंड करता था कि वो अपने दिए हुए वादों पर कितना खरा उतरते हैं और वहाँ के मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी यानी वहाँ के आर्मी के साथ उनके संबंध कितने अच्छे रहते हैं। लेकिन आपने देखा कि कैसे वह 10 अप्रैल 2022 को 3 साल 235 दिन रहने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इसी के साथ वो अपने देश के एक और प्रधानमंत्री बन गए जो अपना पूरा टर्म कम्प्लीट नहीं कर सका। तो यह था इमरान खान का प्रधानमंत्री बनने की यात्रा। कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।